Hello friends, I am Mukta and welcome back to my channel Flavours of Mukta. आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के पिट्ठे जिसमें हम तीन तरह की स्टफिंग करेंगे। रेसिपी ट्राई करने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। जैसा कि हम जानते हैं कि पिट्ठा बिहार और झारखंड की फेमस डिश है, तो हम इसे बिल्कुल उसी अंदाज में बनाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले चावल का आटा लगाने के लिए आप कढ़ाई में पानी गर्म करें, इसके बाद इसमें चावल का आटा ऐड करें। चावल के आटे को अच्छी तरह से मिला लें, 5 मिनट तक इसे चलाते रहें। इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें। 5 मिनट के बाद आप इसे किसी बर्तन में निकाल लें और इसे इतना ठंडा होने दें जितना कि आप इसे छू सके, इसे ज्यादा ठंडा ना होने दें। ये आटा ठंडा होने के बाद आप इसे अच्छे से गूंथ लें। गूंथने के लिए आप इसमें रूम टेम्परेचर पानी का इस्तेमाल करें। अब ये आटा गूंथ करके तैयार हो चुका है, तो अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। आटे को आप किसी बर्तन पर रख के छोड़ दें। सबसे पहले हम आलू की नमकीन स्टफिंग की तैयारी करेंगे। इसके लिए आप तेल गर्म होने के बाद सूखी लाल मिर्च तोड़कर डालें। इसके बाद जीरा डालें, कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डालें और अच्छे से चला लें। हमें यहाँ प्याज को ज्यादा नहीं पकाना है ताकि ये थोड़ी क्रंची लगे। अब हम मैश किया हुआ पोटैटो ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर आलू 3 से 4 आलू को बॉईल किया है और इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसे इसमें मिक्स करेंगे और अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डालें और हल्दी डालें। इसके बाद इसमें रेडीमेड हर्ब्स डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और आलू को चिपकने ना दें। बस 5 मिनट के लिए कंटिन्यू इसे यूं ही चलाते रहें और इसके बाद ये स्टफिंग रेडी है। तो हमारा ये पहला नमकीन स्टफिंग है जो कि बनकर तैयार है। इसे आप ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद हम पिट्ठा बनाएंगे। सबसे पहले आप आटे का थोड़ा सा टुकड़ा ले लें और इसे अच्छे से रोल करें। आप थोड़ा सा सूखा आटा भी इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये थोड़े से हाथों पे चिपकते हैं। हमें सूखा आटा लगाकर इसे फ्लैट करना है। इसे हाथों से ही फ्लैट करें क्योंकि बेलने पे ये टूट सकते हैं। इसके बाद हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। सबसे पहले हमने जो नमकीन स्टफिंग बनाया था वो भरेंगे। इसे अच्छे से फ्लैट कर लिया हमने। अब हम इसमें आलू वाली नमकीन स्टफिंग भरेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू की नमकीन स्टफिंग ली और इस पर रख दिया। अब इसे अच्छे से कवर करके बंद कर देंगे और एक शेप दे देंगे। हमने यहाँ 3 पिट्ठा बनाना है, इसलिए हम तीनों को अलग शेप देंगे ताकि हम तीनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएं। तो हमारा ये पहला पिट्ठा तैयार है। इसके बाद हम सेकेंड स्टफिंग भरेंगे। तो आप आटे का फिर से दूसरा टुकड़ा लें और इसे अच्छे से रोल करें। पिट्ठे की कवर बनाने की एक ट्रिक है कि आप पिट्ठे को जितना ज्यादा रोल और मैश करेंगे वो उतना ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। यहाँ हमने पिट्ठे को रोल करके फ्लैट कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से हाथों से और ज्यादा फ्लैट करेंगे। इसके बाद इसे हाथों से ही कटोरे का शेप दें जिससे हम इसमें अच्छे से स्टफिंग कर सकें। अब हम इसमें सेकेंड स्टफिंग करेंगे। सेकेंड स्टफिंग हमने मीठे चीज की है, तो ये हमारा तीसी या अलसी का बीज है जिसे हमने रोस्ट करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसमें हमने गुड़ मिक्स किया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप हमारे आई बटन में देख सकते हैं कि हमने तीसी के बीज को किस तरह से रोस्ट करके ग्राइंड किया है। इसे हमने अच्छे से कवर करके एक शेप दे दिया है और ये सेकेंड पिट्ठा तैयार है। हमने यहाँ इसे मोमोज की तरह शेप दिया है। आप चाहे तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं जिससे आपको सर्व करते वक्त पता चल सके कि मीठा कौन सा है और नमकीन कौन सा। तो चलिए अब हम थर्ड स्टफिंग करते हैं। तीसरा भी हम मीठे की ही स्टफिंग करेंगे। फिर से पिट्ठे की कवर बना लें। कवर बना लेने के बाद अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। तीसरा स्टफिंग भी हमने मीठा ही किया है। इसके लिए हम इसमें गुड़ का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। गुड़ का पाउडर डाल दें। अब इस स्टफिंग में कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसी ही बहुत ही टेस्टी लगती है। गुड़ को आप हमेशा पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल करें और फिर इस पिट्ठे को कोई तीसरा शेप दे दें। बस अब सारे पिट्ठे इसी तरह से बना लेंगे।
ये है हमारा तीसरा पिट्ठा। यहाँ हमने तीनों स्टफिंग के सारे पिट्ठे बना लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिट्ठा कहीं से भी नहीं फटा है, इसलिए अगर आपको पिट्ठा फटने से अवॉइड करना है तो आप पिट्ठा को जितना ज़्यादा मैश करेंगे लोई करते वक्त, ये नहीं फटेंगे। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। कढ़ाई में पानी को बॉईल होने दें। अब एक एक करके सारे पिट्ठे इसमें डाल दें। आप फ्लेम को मीडियम से हाई रखें। ये पिट्ठे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते, बस 5 से 10 मिनट में मीडियम टू हाई फ्लेम में बनके तैयार हो जाएंगे। 5 से 10 मिनट हो गए हैं, अब इन पिट्ठों को पानी से बाहर निकाल लें। बाकी के बचे हुए पिट्ठे भी बॉईल कर लें। इस बार हमने सारे मीठे वाले पिट्ठे को बॉईल किया है। ये भी बॉईल होने में सिर्फ 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। 10 मिनट के बाद इन्हें बाहर निकाल लें। पिट्ठों को आप तुरंत पानी से निकालने के बाद ना खाएं, इन्हें आधा घंटा ठंडा होने दें। ठंडे होने के बाद पिट्ठे बिल्कुल सही फॉर्म में हो जाते हैं। ये हमारा आलू वाला स्टफिंग पिट्ठा है। ये है हमारा गुड़ वाला पिट्ठा। जैसा कि आप देख सकते हैं, गुड़ अंदर पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। और ये है फाइनली थर्ड तिस्सी वाला पिट्ठा। हमने यहाँ इसे सब्जी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे दाल या किसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। हमने पिट्ठों की और भी रेसिपी पहले दे चुके हैं, आप चाहे तो आई बटन में देख सकते हैं। उसमें हमने नमकीन दाल के पिट्ठे और पिट्ठे की खीर की रेसिपी बताई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी ट्राई करने के बाद लाइक जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल फ्लेवर्स ऑफ मुक्ता।